और अब एक खास बात, आरजी रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। खबर है मुंगेली जिले का। इस देश में बढ़ रहे निजीकरण पर रोक लगाकर राष्ट्रीयकरण को लागू करने के लिए एडीएम महोदय मुंगेली को सौंपा गया ज्ञापन। खबर के अनुसार भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ मुंगेली के द्वारा बढ़ रहे निजीकरण को रोक लगाकर राष्ट्रीयकरण को लागू करने के लिए भीम रेजिमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ सतनाम भवन मुंगेली से पैदल यात्रा के द्वारा मुंगेली कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एडीएम महोदय मुंगेली को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ये निजीकरण के विरोध में मांग की गई है और निजीकरण वो उसके विरोध में उन्होंने बोला है कि सभी लोग राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे बैंक है, शिक्षा की है, इसमें सब निजीकरण होने के कारण बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोक रखना चाहिए और राष्ट्रीयकरण करने की भी मांग की गई है। सीधा राष्ट्रपति जी के नाम से पता प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग उसके द्वारा आगे बढ़ा जाए। जैसे कि शिक्षा की निजीकरण बंद किया जाए, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में परमानेंट सीट हटाया जाए, बीपीएल छात्रों को तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा में निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए, उद्योगों, बैंकों, रेलवे, विमान, उच्च शिक्षा संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए, एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाए, छत्तीसगढ़ बोर्ड बंद किया जाए, सभी स्कूलों में CBSE कोर्स और इंग्लिश मीडियम लागू किया जाए, SEZ कानून, LPG अभियान खत्म किया जाए। वर्तमान सरकार की जो दोगले नीति कहा जा सकता है, निजीकरण के खिलाफ पैदल मार्च करते हुए सतनाम भवन दाऊपारा से रैली निकाल कर कलेक्टर महोदय परिसर पहुँचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से। हमारी 7 सूत्री मांग है कि निजीकरण वर्तमान में जो सरकारी संस्थाएँ हैं उनको बंद किया जाए, निजीकरण प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में ना बेचा जाए। सरकार जब सत्ता में आई थी तो बोले थे कि हम निजीकरण नहीं करेंगे और वो खुद को अपने को चौकीदार बताता है और चौकीदार होकर भी वह इस दोगले नीति में शामिल है। वो तो बोले हैं कि हम इसको इस पर अमल होंगे, हम इसके विरोध में जो हो रहा है उसको रोकेंगे, आगे भेजेंगे भी बोले हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रामझाझर।